हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं, यस, वो है मेजर जनरल जीडी बख्शी ने खोल दी बॉलीवुड की पोल। और बाप रे, मदन शर्मा, जया बच्चन, उद्धव ठाकरे। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो, पता करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, यस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन दोनों को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। व्हाइट ड्रग्स, रिवाइव ड्रग्स, ये कहना कि नहीं, तो सारी देश में जो बड़े अमीर हैं उनका तो लाइफस्टाइल है भाई, ब्लडी फुट लाइफस्टाइल है। और क्या फिल्में बन रही थी, गैंग्स ऑफ वासीपुर, गुंडे, डॉन वन, डॉन टू, डॉन थ्री, स्मगलर, मतलब हर बलात्कारी रेपिस्ट स्मगलर को आप सिर पे चढ़ाएंगे, वॉक हीरो बनाएंगे। आपने कोई फौज की फिल्में देखी है बनती हुई, वहाँ देशभक्ति की फिल्में देखी है? गिनी चुनी 8-10 आप उंगली पे गिन सकते हैं जब से बॉलीवुड खड़ा हुआ है 47 के बाद। आप फौज को आए दिन दिन रात 24/7 गालियां गलौज, आप एक अभियान चला रहे हैं देश की सेना का मनोबल तोड़, ये देखने के लिए कि वो टेररिस्टों को मारे नहीं, पाकिस्तानियों को मारे नहीं, चीनियों को हाथ ना लगाए। क्यों साहब, किसका पैसा खाया है? बहु बेटियां बाहर ब्याही है? एक अकेले फौजी बुड्ढे को, बुजुर्ग को मारते हैं? अरे इस देश में साहब सफेद बालों की कदर की जाती है, और कुछ नहीं तो सफेद बालों की कदर की होती। लेकिन वहां मैंने नहीं सुना किसी का अभिव्यक्ति की आजादी। लेकिन जिसने आपके खिलाफ बात करी, आप उसका घर तोड़ देंगे, किसी ने बीम चलाया, आप उसका मुंह तोड़ देंगे, उसकी आंख फोड़ देंगे, वो भी एक पुराने सैनिक की। हमको बहुत दुख हुआ जब पुराने डिबेट्स में मैं जाया करता था, तो अक्सर जब हम पे मानवाधिकारों का हनन बकवास वगैरह ये किया जाता था, तो जो शिवसेना के होते थे नेता, वो बड़ा सपोर्ट करते थे फौज के, वो दर्शाते थे कि वो बहुत देशभक्त पार्टी है। क्या हुआ, अफजल गुरु, सारी दुनिया टूट पड़ेगी उसको बचाने, टेररिस्ट सारी दुनिया उनके मारा क्यों मारा, हाय हाय मार डाले टेररिस्ट। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ दराज धर्मा पर। आज हमारे साथ जीडी बख्शी सर जुड़े हुए हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस उम्र में जीडी बख्शी सर से मिली। जया बच्चन ने कहा यहाँ पर जानबूझ करके बॉलीवुड की बदनामी करने के लिए साजिशें की जा रही हैं, और जिस थाली में ये लोग खाते हैं उसी थाली में ये लोग छेद करते हैं। भारत की बड़ी जबरदस्त सॉफ्ट पावर है बॉलीवुड के जरिए, चाहे मलेशिया हो, अफगानिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, रूस हो, वहाँ के लोग आपकी हिंदी फिल्में देखते हैं। आप किसी सेंट्रल एशियन देश में जाएं, आवारा हूँ, वो हिंदुस्तानी को देख के गाना शुरू कर देते हैं, है ना? तो सॉफ्ट पावर एक बड़ी पावर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई सालों से जो बॉलीवुड की सॉफ्ट पावर है, वो बिल्कुल जो है दाऊद डी कंपनी को दे दी गई। सारी फिल्में वो फंड कर रहा था, और क्या फिल्में बन रही थी, गैंग्स ऑफ वासीपुर, गुंडे, डॉन वन, डॉन टू, डॉन थ्री, स्मगलर, मतलब हर बलात्कारी रेपिस्ट स्मगलर को आप सिर पे चढ़ाएंगे, फोक हीरो बनाएंगे। आपने कोई फौज की फिल्में देखी है बनती हुई, वहाँ देशभक्ति की फिल्में देखी है? गिनी चुनी 8-10 आप उंगली पे गिन सकते हैं जब से बॉलीवुड खड़ा हुआ है 47 के बाद। ठीक है, कौन है फोक हीरो जो आप बना रहे हैं? स्मगलर, डॉन, गुंडा, मवाली, बदमाश, किलर, ड्रग पेडलर, इसको आप हीरो बना रहे हैं, क्योंकि वो हीरो आपकी वो फंड कर रहा है मूवीज। सारा बॉलीवुड की फंडिंग यहाँ से हो रही थी, और दाऊद इब्राहिम का संपर्क किस एजेंसी के साथ है? ISI के साथ है। तो हाउ कैन यू आउटसोर्स, अलाउ बॉलीवुड टू बी आउटसोर्स टू द डॉन्स, टू द ISI, एक गड्ढा, एक अड्डा बन जाए। और वहाँ पे साहब अब लोग चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स फैल रहे हैं, क्रिमिनलिटी फैल रही है, जो कई बच्चे जाते हैं उनकी जिंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, खासतौर बच्चियाँ जाती हैं, जिंदगियाँ बर्बाद कर दी जाती हैं। ऐसा इकोसिस्टम बना हुआ है, इसको कॉर्पोरेटाइज करने की ज़रूरत है, इसको एक जो है सही ढंग पे लाने की ज़रूरत है, क्लीन अप करने की ज़रूरत है। ड्रग, वाई ड्रग्स, रिवाई ड्रग्स, ये कहना कि नहीं, तो सारी देश में जो बड़े अमीर हैं उनका तो लाइफस्टाइल है भाई, ब्लडी फुट लाइफस्टाइल है, तभी तो मानसिक बीमारियां हो रही है। ड्रग खा खा के नशेड़ी पंजाब को डिस्ट्रॉय कर दिया ड्रग से, ISI का कैंपेन था। तो साहब अगर ड्रग्स यहाँ है, बेंगलोर में, जहाँ भी है, दे हैव टू बी बस्टेड, और आपको बस्ट करना, दाऊद की इमारत वहां तोड़ी है,
बड़ी खुशी होगी, पूरा देश आपको सपोर्ट करेगा। दाऊद को हाथ नहीं लग रहा है और कंगना रावत ने थोड़ी क्रिटिसिज्म कर दी तो उसका आपने घर तोड़ दिया। मेरा कहना यह है कि बॉलीवुड नीड्स अ क्लीन अप, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो सब कुछ हो रहा है, इट नीड्स अ क्लीन अप, इट नीड्स टू बी कॉर्पोरेटाइज, इट नीड्स टू बी ब्रॉट अप ऑन टू टोटल प्रोफेशनल लाइन। हो गया था ये कार्रवाई शुरू, फंडिंग वंडिंग में काफ़ी फर्क पड़ा है, डॉन चॉन्स की फंडिंग काफ़ी फर्क पड़ रहा है, लेकिन अभी एक दो साल पहले हमने देखे गैंग्स ऑफ वासीपुर, गुड्डे, क्यों मवाली, क्यों, आपके पास और कोई टॉपिक ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं रह गया, आप फंडिंग वहां से क्यों ले रहे, टेंटेड ड्रग्स का पैसा है, और फिर आप भी ड्रग्स खाएंगे और आप लोगों को इस तरह करेंगे, फिर मर्डर्स होंगे, फिर उनको सुसाइड किया जाएगा। नहीं साहब, ऐसा तो नहीं चल सकता, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हैज टू बी मेंटेन। सेना के सैनिकों के लिए जब गलत गलत बोला जाता है सेना बलात्कारी है, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, तब बॉलीवुड का कोई भी स्टार सामने आके नहीं आता है, इन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आप अमेरिका जाइए, मैं अमेरिका पिछले साल ही होके आया, 6 शहरों में मेरे लेक्चर थे, भारतीय मूल के लोगों ने बुलाया था वहाँ पे, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, और मैंने देखा कि जब मैं एयरपोर्ट पे था तो अनाउंसमेंट हुई कि फ्लाइट तैयार है जाने के लिए, बैठने के लिए सब लोग आप लोग बोर्डिंग के लिए रेडी हो जाएं, पहले सर्विंग सैनिक, फिर भूतपूर्व सैनिक जाएंगे, उसके बाद फिर कोई जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरह से वो इज्जत देते हैं अपने उन सैनिकों को जो देश के लिए लड़ रहे हैं। और आप किसी और देश की भी सेना, जहाँ उनको पता चला कि मैं भी एक सैनिक हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ, मेजर जनरल रिटायर हुआ था, बहुत लड़ाइयों में लड़ा हूँ, तो आके थैंक यू फॉर योर सर्विस, थैंक यू फॉर योर सर्विस, यू नो, ये जो जज्बा है, तभी तो वो फौज लड़ रही है हर जगह, तभी फौज का मनोबल बढ़ता है। आप फौज को आए दिन रात 24/7 गालियां गलौज, आप एक अभियान चला रहे हैं देश की सेना का मनोबल तोड़ने के लिए, ये देखने के लिए कि वो टेररिस्टों को मारे नहीं, पाकिस्तानियों को मारे नहीं, चीनियों को हाथ ना लगाए। क्यों साहब, किसका पैसा खाया है, बहु बेटियां बाहर ब्याही है, ये बकवास है बिल्कुल। जो देश अपने सेना की इज्जत नहीं कर सकता, देखिए मौर्य शासन काल में आचार्य चाणक्य ने, नाम सुना है सब, कौटिल्य, उसने कहा था, राजन अगर ये जो सैनिक हैं ये बारिश में, बर्फ में, धूप में, तूफान में आपकी सीमाओं पर खड़े रहते हैं, अगर कभी इसको ऐसी स्थिति में आप लाए कि इसे अपना हक मांगना पड़े, तो ये जो है मगध के लिए बहुत बुरा दिन होगा। वो शब्द उतने ही लागू है आज। एक जो लोगों का खेमा है वो इस पे भी सवाल उठाता है, विपक्ष इसमें सबसे पहले आगे होता है, बोलता है कि सेना को इसका प्रमाण देना चाहिए कि सच में कुछ ऐसा किया है कि नहीं किया है, लेकिन वही अगर कोई लिबरल ऐसा कोई काम कर दे तो उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है। अगर आपको मैं बता दूं तो उमर खाले जो कि अभी जेल में है, अरेस्ट हुए हैं, 10 दिन की उनकी कस्टडी हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग उनके अभी पक्ष में आ रहे हैं, किसी ने उनसे कोई सवाल नहीं किया, क्या कहना चाहिए? देखिए साहब, इतने दोहरे मापदंड मैंने कहीं नहीं देखे। उमर खालिद जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाता है, जिसने जेएनयू में नारा लगाया अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन है साहब अफजल के? वो सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने उसे फांसी की सजा सुनाई, और आप कह रहे हैं कि साहब थोड़ा टाइम और दो, मैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जान से मार डालूंगा। साहब अगर ये वायलेंस की धमकी नहीं तो और क्या है? अभी तक इसको हाथ नहीं लगाया किसी ने, क्योंकि ये पूरा लिबरल तबका, ये जो भी सारे बेवकूफ लिबरल हैं, बदतमीजी जो पे 24 घंटे जो कि ऐसे लोगों का सपोर्ट देते हैं, किस बिना पे? अभिव्यक्ति की आजादी। और वहां आप जरा मुंबई में देख लीजिए अभिव्यक्ति की आजादी का क्या हो रहा है, वहां क्यों वहां इतना सन्नाटा है, यही वही लिबरल गैंग में क्यों सन्नाटा है साहब? वहां अभिव्यक्ति की आजादी का हनन नहीं हो रहा, वहां पे साहब कोई अगर सरकार के खिलाफ बोलता है उसका घर तोड़ दिया जाता है, कोई अगर वहां की सरकार के खिलाफ अपना क्या कहते हैं बीम एक शेयर करता है उसका मुंह तोड़ दिया जाता है, ठीक है साहब। और आप अब ये भी अटकल है कि किसी को मार डाला है उसको सुसाइड दिखाया जा रहा है,
मतलब कि आप कहना क्या चाहते हैं, वहां इमरजेंसी का माइंडसेट नहीं तो और क्या है? क्या दिखा रही है कांग्रेस और उसके जो सहयोगी सरकारें हैं वहां पे कि साहब हम इमरजेंसी लगा लेते हैं, अगर हमारा शासन है तो किसी का जिंदगी का औचित्य नहीं, आप और मैं आम आदमी, मतलब कोई दो टके की नहीं हमारी जिंदगी, जब चाहे मार दे, सुसाइड दिखा दे, किसका घर तोड़ दे, किसी का मुंह तोड़ दे, वो भी एक पुराने फौजी का, एक रिटायर्ड फौजी का, 62 साल के सफेद बाल वाले पेटी ऑफिसर जिसने 15 साल भारतीय नौसेना की सेवा करी, देश की सेवा करी, उसे आप घर के नीचे बुला के गुड्डे जो है 15-20 भेज के एक अकेले फौजी बुड्ढे को, बुजुर्ग को मारते हैं। अरे इस देश में साहब सफेद बालों की कदर की जाती है और कुछ नहीं तो सफेद बालों की कदर की होती, लेकिन वहां मैंने नहीं सुना किसी का अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां क्या गई साहब? कांग्रेस का राज है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो गला घोट दिया जाएगा, घर तोड़ दिए जाएंगे, जान से मार डाले जाएंगे, ये और कुछ नहीं, एक्शन कुछ नहीं, ड्रग वहां चलेगी पूरी। दाऊद इब्राहिम का घर क्यों खड़ा है वहां? क्यों खड़ा है दाऊद इब्राहिम का घर? सबसे पहले वो घर टूटना चाहिए था, लेकिन जिसने आपके खिलाफ बात करी आप उसका घर तोड़ देंगे, किसी ने बीम चलाया आप उसका मुंह तोड़ देंगे, उसकी आंख फोड़ देंगे, वो भी एक पुराने सैनिक की, हमको बहुत दुख हुआ। हम तो सोचते थे कि शिवसेना सेना की बहुत सपोर्ट करती। जब पुराने डिबेट्स में मैं जाया करता था तो अक्सर जब हम पे मानवाधिकारों का हनन बकवास वगैरह ये किया जाता था तो जो शिवसेना के होते थे नेता वो बड़ा सपोर्ट करते थे फौज के, वो दर्शाते थे कि वो बहुत देशभक्त पार्टी है। क्या हुआ आज आपने एक बुजुर्ग सिपाही को पीटा और उसके बाद नॉट अ वर्ड ऑफ अपॉलॉजी? हमें उम्मीद थी कि ये पार्टी जो कि सेना का बहुत इज्जत करती है, वर्दी का मान करती है, ये कम से कम आके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सॉरी बोलेंगे कि ये गलत काम है, बहुत गलत हुआ है, भर्त्सना करेंगे, कम से कम ये तो किया होता। वो लोगों को बेल पे छोड़ दिया गया, पाँच हज़ार उनका जुर्माना लेके उनको बेल पे छोड़ दिया गया। दूसरा जो रिपब्लिक टीवी का जो रिपोर्टर जो कर रहा है, आप जैसे जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, उसको जेल में डाल दिया गया, कोई बेल नहीं, कोई कुछ नहीं, हो क्या रहा है? नहीं, ये दोहरे मापदंड क्या है? अफजल गुरु सारी दुनिया टूट पड़ेगी उसको बचाने, टेररिस्ट सारी दुनिया उनके मारा क्यों मारा, हाय हाय मार डाले टेररिस्ट, ये दोहरा मापदंड, इससे हमको बहुत चुभन हो रही है। दोहरे मापदंड, या तो आप बोलिए साहब हम असूलों पे चलते हैं, ये एक प्रजातंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी, सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ माय पर्सन, माय प्रॉपर्टी, ये स्टेट का जिम्मेवारी है। अब आप कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, आप कोई ट्रेड यूनियन नहीं है कि आप मारपीट करेंगे, आप सत्ता में हैं, आपने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपने शपथ ली है, यू आर स्वोन टू सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं जानना चाहता हूँ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बदली कब से हो गई है? अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल और केवल ये जो नाटकी लोग हैं JNU में उनकी रह गई? यानी जो देश को तोड़ने के लिए बोले उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अगर कोई और सरकार को क्रिटिसाइज करे, किसी स्टेट गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करे, तो उसका घर तोड़ दो, उसको जान से मार दो, उसको पीट दो, उसकी आंख फोड़ दो, उसका कुछ भी करो, और वो पुराने फौजी चुन के मारो, मतलब और कोई नहीं मिला, वो तो कितनों लोगों ने वो मीम शेयर किया, वो मीम मेरे पास भी आए, लोगों ने भेजा, मैंने देखा कि क्या इतना ऑफेंसिव, मुझे तो कुछ कोई ऐसी चीज नहीं लगी। और बाल ठाकरे साहब तो खुद कार्टूनिस्ट थे, वो थे असली शेर, अब ये क्या हो रहा है हमें तो समझ नहीं आ रहा, ये मतलब कहना क्या चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं कि साहब हम इतने बड़े हैं कि चाहे किसकी जान ले ले, चाहे किसका घर फोड़ दे, चाहे किसकी आंख फोड़ दे, मतलब हमारे सिवाय ताली बजाने वाह वाह करने के और कुछ नहीं होना चाहिए। तो साहब फिर आपको चीन में होना चाहिए, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट फॉर लाइफ है, यहाँ कोई प्रेसिडेंट फॉर लाइफ नहीं होता साहब, हर 5 साल बाद जनता के दरबार में आना पड़ता है। और मैं एक सिर्फ बता दूँ, एक बुजुर्ग व्यक्ति की हैसियत से और एक बूढ़े सैनिक की हैसियत से, कि इस देश के लोगों को तिरस्कार की
दृष्टि से मर दे। वो वहां इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी, तब उसके बेटे का सर चढ़ा हुआ था सातवें आसमान पे संजय गांधी का कि मैं हर किसी को पीट दूं, मरवा दूं, जेल में डाल के यतनाएं डलवाऊं और नसबंदी करूं चाहे जिसकी। उसको क्या सबक सिखाया था लोगों ने पहली इलेक्शन में? देखिए, दम्भ मत करिए, ये मत दर्शाइए कि जो आम आदमी है आप उसको कीड़ा, नाली का कीड़ा समझ सकते हैं, आप उसको गली का कुत्ता समझ सकते हैं। ये नहीं चलेगा साहब, भारतवर्ष में नहीं चलेगा। ये प्रजातंत्र है, प्रजातांत्रिक प्रणाली महात्मा बुद्ध के समय से आ रही है। आज चाहे कंगना रनौत हो, चाहे एक्स रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हो, मदन शर्मा जी हो, आज ये सारे के सारे जाके बीजेपी का उनको समर्थन मिल रहा है, तो इस पे आप क्या कहिए? देखिए साहब, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और हम लोग कोई पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते। जो जनता चुनेगी वो पार्टी आएगी और खुशी हमको ये है कि जब से बीजेपी आई है देशभक्ति पे जोर दिया गया है, देश की सेनाओं को सुदृढ़ करने का प्रोसेस तेज किया गया है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो 20 सालों से नहीं बना था, रोड सड़कें वो बननी शुरू हुई हैं और मुझे खुशी है कि एक देशभक्ति की लहर बीजेपी लाई है, बहुत अच्छी बात है। और ये हम बहुत उम्मीद कर रहे थे, हमको तो इससे भी ज़्यादा उम्मीद थी कि और भी तेज़ी से होगा, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब काफ़ी तेज़ी पकड़ ली है और पाकिस्तान को भी सबक सिखा दिया गया है, ज़रूरत पड़ी तो और सिखाएंगे, और चीन को भी अपनी जगह दिखा दी गई है, दे हैव बीन शोन देयर ब्लडी प्लेस, तो ये अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, और सच बताऊं जब वो बीच बीच में इंग्लिश में बोलते थे और जिस तरह से बीच बीच में बोल रहे थे ना, मुझे अपने पापा दिख रहे थे इनमें, क्योंकि वो भी ऐसे ही जैसे बोलते हैं ना कि इंग्लिश में धीरे और उस टाइप से एक्सप्लेन करने के लिए, वो बिल्कुल वही तरीका था। तो मैं डेफिनेटली ये कहूंगी जो आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं ना, चाहे मेरे पापा तो एयरफोर्स में थे और ये मिलिट्री में है, आर्मी में थे, पर उनका एक स्टाइल ऑफ स्पीकिंग होता है जो मैंने सब में देखा है, इवन जो मेजर गौरव आ रहे हैं उनमें भी वो स्टाइल मैंने देखा है बातचीत में, तो वो अलग होता है, आप पहचान जाते हो कि ये डिफेंस के लोग हैं। और डेफिनेटली जो इन्होंने बोला बहुत अच्छा बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं एक जगह नहीं आप बोल सकते, कि यहाँ पे तो आपने जब वो टेररिस्ट को मार रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं भारत तेरे टुकड़े टुकड़े हुए, उनको तो आपने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बोल सकते हैं, और यहाँ पे अगर कंगना ने या किसी और ने अगेंस्ट बोल दिया तो तब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हुआ, आपने अटैक किया उनके ऊपर। और जो वो न्यूज थी जिसमें उन्होंने बताया कि एक नेवी ऑफिसर को उन्होंने मारा खास, क्योंकि उन्होंने कोई एक मीम थी वो शेयर कर दी व्हाट्सएप में, और ये कह रहे हैं कि मैंने देखी भी कि किसके ऊपर था, और देखा तो काफी हैरानी हुई कि उसमें कुछ ऐसा नहीं था, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो पहले थे बाल साहब ठाकरे वो तो खुद कार्टूनिस्ट थे और वो तो खुद सपोर्ट करते थे आर्मी का और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, तो अब लग रहा है कि उनके बाद जो आए हैं वो मतलब उस चीजों को फॉलो नहीं कर रहे जो बाल साहब ठाकरे जी जो थे उनके जो आइडियोलॉजी थी वो नहीं हो रही है। अब उनको ये लगता है कि जो हम हैं, जैसे इन कह रहे थे कि जैसे हम हैं बस हमारी जय जयकार करो, कोई अगेंस्ट नहीं बोल सकता, तो वो कह रहे हैं भाई डेमोक्रेसी है, सब अपने थॉट्स बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ऐसी बात नहीं है, और इलेक्शंस होते हैं हर बारी, तो जिस जो जनता को लगेगा ठीक लीडर है उनको वो वोट करेंगे। तो उन्होंने काफी मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में सब बताने की कोशिश की कि और कुछ नहीं तो आप एज का ही रिस्पेक्ट करो और कुछ नहीं, और हमारी कंट्री में तो डेफिनेटली एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना तो सबसे इम्पॉर्टेंट है और फॉरमोस्ट है। तो काफी अच्छा इन्होंने बोला है, कमाल की स्पीच दी है बिना डरे, ऑफकोर्स ही इज अ मिलिट्री पर्सन तो डरने की तो कोई बात नहीं, और बहुत ठीक बोला है उन्होंने, मेरे हिसाब से बहुत लॉजिकली किसी का साइड नहीं लिया, तो अनबायस्ड होके उन्होंने जो ठीक है वो बोला। उन्होंने कहा भी कि पार्टी में किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, पर डेफिनेटली जब बीजेपी आई है तो देशभक्ति ज्यादा वो फीलिंग्स अब जागी हैं, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट, हमारी भी जागी हैं देख के कि अब कोई ऐसा आया है जो कंट्री को चेंज करने में लगा हुआ है, और कह रहे हैं कि इतने सालों तक रोडें सड़कें नहीं थी अब बन रही हैं, कहते हैं हमारी तो एक्सपेक्टेशन थी कि और जल्दी बनेंगी पर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ी स्लो हो रही है, पर हो तो रही है, तो ये पॉजिटिविटी सब देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा वीडियो था। राइट, सो उन्होंने सारे मतलब काफी सारे पॉइंट्स वो बताए हैं जो हम एक्चुअली पहले कब से कहते आ रहे हैं, और एक उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि बीजेपी जो है नेशनलिस्ट मतलब पार्टी है,
और उसमें पॉइंट हमारा ये है, तो उसमें बुरी बात क्या है? मतलब आप आपकी नेशन के बारे में, आपके नेशन में एक नेशनलिस्ट पार्टी आती जो आपके नेशन को आगे लेके जाना चाहती, उससे बुरी तो अच्छी बात होगी ना, और क्या चाहिए आपको? बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। सिमिलरली जो है, और लिबरल्स जो हैं वो इसी बात पे कहते हैं कि नेशनलिस्टिक पार्टी है, तो अच्छी बात है ना। नेशन कम्स आपके नेशन में नेशनलिस्टिक पार्टी है जो आपके नेशन को आगे ले जा रही है, तो अच्छी बात है। नहीं, वो साहब है, वो याद है जो ट्रंप ने जब स्पीच दी, उसने कहा कि मेरे लिए अमेरिका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है और आप लोगों के लिए भी अपनी कंट्री फर्स्ट आनी चाहिए। यही यही तो, ये तो होना ही चाहिए। एग्जैक्टली, मिस्टर ट्रंप को बोलते हैं, मिस्टर ट्रंप भी नेशनलिस्टिक हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि मैं अपनी अपने देश के लिए नेशनलिस्टिक हूँ और तुम अपने देश के लिए नेशनलिस्टिक होना भी चाहिए कह रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात थी। तो इन्होंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए थे जो हम कब से कहते आ रहे हैं कि जब भी पैसा जो है अगर अंडरवर्ल्ड से आ रहा है तो जितनी भी मूवीज होती है उनकी थीम वही होती है, ग्लोरीफाई दिखाने के लिए कि जैसे जो अंडरवर्ल्ड के डॉन होते हैं बड़े महान हैं, उनको कोई मजबूरी होगी लाइफ में, कुछ पंगा पड़ गया लाइफ में और मजबूरी के कारण उनको करना पड़ा, और अब वो मतलब कई मूवीज आई थी जिसमें दारू बेच बेच के माता ने मारा मूरा, दारू बेच बेच के वो डॉन बन गया। तो और था, दारू बेच रहे हो, अच्छी बात कैसे है? तुम दारू बेच रहे हो, ड्रग्स बेचोगे और चीजें बेचोगे, अच्छी बात कैसे हो गए तुम? हाउ आर यू गुड पर्सन? तुम गुड पर्सन तो हो नहीं, मगर उसको ग्लोरीफाई करके दिखाया कितना दिल का अच्छा बच्चा है, उसने गरीब को पैसा दे दिया। अरे अल्टीमेटली तू लिकर का काम कर रहा है भाई, तू दारू बेचता है, पूरी कंट्री को बर्बाद कर रहा है, तो गलत बात हुई। आप दारू बेचना अच्छी बात तो नहीं है। सिमिलरली बाद में ड्रग्स बेचेगा, वो गलत बात है। मेरे धर्म में धर्म क्या? जो बंदा दारू बेच रहा है उसमें क्या धर्म है? तो मतलब जो भी कहने की बात है, बहुत सारी मूवीज आई थी जो है जो नॉर्मल जो लोग देख रहे हैं उनकी साइकी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि हम कितने ग्लोरीफाइड हैं। और तो ये मुझे भी एक पैटर्न नजर आ रहा था जो मैं कह रहा था ये सारा गलत पैटर्न है, सारा ये गलत तरीके से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा गलत जगह से आ रहा था, और वही इन्होंने कवर किया कि वहां पे एक रिटायर्ड बंदा कुछ ट्वीट करता है तो आप उसको इतना करते हैं, और लोगों ने कह रहा था उसके बाल काट दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और यहाँ पे जो है कंगना रनौत जी कुछ बोलते हैं तो घर तोड़ दिया, राइट? तो और वो ऐसे एग्जैक्टली हमने भी कहा था कि ये डेमोक्रेसी है, ये ऐसा नहीं है किसी राजे का राज है कि अगर तुमने कुछ बोला तो तुम्हें मार दूंगा, अगर तुमने क्या कर दूंगा मेरा राज है, ऐसा मारना तो उनको मारो जो देश के अगेंस्ट बोल रहा है। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब यही है। इन्होंने भी इसी पॉइंट को कवर किया था, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अगले इलेक्शन में देखते हैं तुम राजे हो या नहीं हो, अगला इलेक्शन बनाएगा। और बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है तेजी से काम कर रही है। इन्होंने बोला डिफेंस में कितने चेंजेस आ रहे हैं, उन्होंने बोला कि अभी बता दिए पाकिस्तान कौन है, अभी बता दिए चाइना कौन है, ये सब इतने सालों बाद अब क्यों हो रहा है? क्योंकि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई है, वो तो अच्छी बात है आई है। आप हर बंदा कहेगा मैं नेशन में हूं, एक गवर्नमेंट आई है जो मेरे नेशन को आगे लेके जा रही है, और क्या चाहिए मुझे? तो समझ नहीं आया, समझ रहे लोगों को कंफ्यूजन क्यों है इस बात का। और कितना अच्छा बता रहे थे कि जिन लोगों ने बुरा बुरा जेएनयू में ये किया उनको कोई कुछ कहता नहीं है, नॉर्मल इंसानों के पीछे पड़े हुए हैं, तो अच्छी बात है। मेरे को तो यही होगा कि और हमने भी कहा था कि अनफॉर्चुनेटली जो है बड़ी सिटीज में कुछ कुछ बड़ी सिटीज में बीजेपी नहीं है, आई होप बीजेपी कम्स ओवर देयर, उससे क्या यूनिफाइड जो भी उनके थॉट प्रोसेस है यूनिफाइड हर जगह लगेगा, और नहीं पसंद आएगा तो चेंज भी किया जा सकता है। मगर पॉइंट यही है कि वो फुल मेजॉरिटी में बीजेपी इसलिए आई है क्योंकि लोगों को पता चल चुका है सेकंड टर्म में हम तो और उनके वोट आए सर सेकंड टर्म में, क्योंकि लोगों को लगा जो जिस पाथ पे चल रहे उससे इंडिया जो है बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस करेगी और बहुत ही आगे बढ़ेगी। तो वेरी गुड वीडियो, बहुत ही अच्छा था कि इन्होंने सारे पॉइंट जो है की पॉइंट सब क्लियर पॉइंट सारे क्लियर किए हैं कि, और अच्छा लिखा, देखिए इतना कितनी जल्दी से इम्प्रूवमेंट हो रही है कि वहां पे योगी जी कह रहे हैं अच्छा जाने दो मैं अपनी खोल देता हूँ मैं अपनी फिल्म सिटी खोल देता हूँ, अच्छे लोग सारे यहाँ पे आ जाओ, लड़ाई खत्म, मैंने ऑलरेडी मैं सुधार कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, यहाँ भी सुधार कर देता हूँ, राइट? तो काफी अच्छी बातें थी, बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से जो है और लोग भी बहुत सारे हैं जो उनके भी यही विचार हैं। नहीं, और ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड का एम ये भी हो रहा था कि आर्मी की जो थिंकिंग लोगों के माइंड में चेंज करने का, इस टाइप से वो मूवीज बना के आर्मी के अगेंस्ट भी करने की कोशिश, क्योंकि वही तो है ना, जो जिसका पैसा आ रहा है वो तो चाहता है अगेंस्ट
एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज की जाए। और इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जैसे यूएसए में गया तो कैसे मतलब थैंक यू मुझे तक आके बोला। मैं हम लोग आपको बोलते हैं कि यहाँ पे होता है बिल्कुल, और वैसे हमें अपना इंडिया में भी वो करना चाहिए इतनी रिस्पेक्ट, और जहाँ नहीं मिल रही कोई नहीं दे रहा तो खड़े हो जाओ उनके सामने कि कैसे तुम एक मिलिट्री के इंसान के साथ तुम मिसट्रीट कर रहे हो, हाउ डे यू। करेक्ट, यही एक पॉइंट है कि यूएसए की बात है, यूएसए में अगर जैसे बोले कोई बताता है कि मैं अपनी कंट्री का सोल्जर हूँ वो उसको थैंक करते हैं कि तुमने अपनी कंट्री के लिए लड़ा है तो मतलब तेरा कैरेक्टर अच्छा है, वरना आप कहेंगे कि हम क्यों उसको बोले, तो किसी और कंट्री का है। फर्क ही होता है, वो कहते हैं तुम सोल्जर हो, हम जितनी इज्जत अपने सोल्जर दें तुम्हें भी देंगे क्योंकि तुम अपना अपना कर्तव्य कर रहे हो अपनी कंट्री के लिए। अच्छा। यहाँ पे हमारा बंदा अपनी कंट्री के लिए कर रहा है। इसी से मुझे याद आया था कि मुझसे किसी ने पूछा था और ऐसी बात हो रही थी, तो बात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे पापा जो है वो एयरफोर्स में है। ओ, इतना मेरे को इतने प्यार से और थैंक यू करने लग गया। मैं एक मिनट डाउट होगी कि इसने कहीं ये तो नहीं सोच लिया कि पापा यूएसए में। फिर मैंने उसे क्लियर भी किया कि वो इंडिया में। कहता यार he's doing a great service for his country। तो ये attitude था उसने, मैं confused हो गई थी कि ये कहीं ये तो नहीं सोचा मैं पापा यहाँ पे करते का। तो वो बिल्कुल सच है, मतलब for them you know if you are, और आप उनको पता था कि इंडिया से आई है तो उन्होंने मुझे बोला कि definitely he's a great man। तो वो बात है, तो ये वीडियो से मतलब बहुत चीजें सीखने को मिली हैं, और आई जस्ट होप कि हम लोग जो हैं गलत और जो है और राइट रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाए, और बॉलीवुड हमें अफेक्ट ना, वो उस टाइप से हमारे ब्रेन वॉश ना कर पाए। पर अब चेंजेस आएंगे, सबकी आंखें खुल चुकी हैं, तो होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।